माफिया पर एफआईआर दर्ज करो। सिन्हा साहब आगे बढ़ो, चीफ सेक्रेटरी आगे बढ़ो, माफिया पर एफआईआर दर्ज करने की बात। आज का प्रदर्शन, जो लोग दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पैर से जमीन निकल गई है। आज उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। जम्मू के अंदर कार्रवाई हो रही है, प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जमीन बचाने के लिए गई थी। एक श्रीमान लोन है, वो कहता मैं देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं मानता, उसके साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहा था। बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं मैं, ये दो व्यक्ति जिनके विषय के अंदर ये कहा जाता है कि भाई ये जमीनें उठा करके उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, अरे जमीनें भू माफिया से छुड़ा करके गरीबों में बांटेगा। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, भू माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, भू माफिया को पकड़ो, उनकी पार्टी को बैन करो जिन लोगों ने इस तरह का प्रयास करा है। इसलिए आज एक ही बात करूँगा, एफआईआर दर्ज करो और इनको पकड़ करके अंदर करो, तब जा करके समाधान होगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो। मलता है, वो मैं कह रहा हूँ ना, बड़े आपके पास आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि गरीबों की जगह ली जा रही है। केड़े गरीब महाराज, मैंने आपके सामने यहाँ रगड़ा दिया उनको, जो गरीब 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 कहते हैं। गरीब चोर नहीं होता जी, गरीब ईमानदार होता है। ये है गरीब, ये देखो सामने गरीब रस्सी उठा करके चल रहा है, ये गरीब कश्मीरी है। ये जगह मलने वाला गरीब नहीं हो सकता। 70 कनाल, 100 कनाल, 300 कनाल, 5 मरले, वो गरीब। फॉरेस्ट लैंड वो गरीब, मैं नहीं मानता गरीब। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, कोई बचने वाला नहीं है। और शुक्र है, धन्य है ये एलजी और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी जो बाहर से आए और जम्मू कश्मीर की जमीन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो खा गए थे सारी जमीन, एक एक बंदे के पास 115 कनाल जमीन। वो तवियों के अंदर एक मंत्री है जी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है कितनी जमीन है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर एफआईआर दर्ज करो, जिससे भी जमीन निकली है पकड़ करके अंदर करो और उनकी पार्टी को बैन करो। कुछ लोगों की तकलीफ हुई है जो सुंजवा बठिंडी में पीला पंजा चला। तकलीफ किसको हुई है? कुछ आपके पास आए थे जिनको बड़ा तकलीफ हुआ था कि वहाँ पीला पंजा चला है। तो पीला पंजा वहाँ की चला, किश्तवाड़ में नहीं चला? उनका कहना था कि बाकी जगह भी चलने चाहिए, सुंजवा बठिंडी को छोड़ के बाकी जगह भी चलना चाहिए। अरे महाराज 5605 कनाल जिस जगह की आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम ही नहीं लेता। 5605 कनाल है, 20,000 कनाल है जगह। 5605 कनाल किनमा हिस्सा हुआ? इस तरह की बातें करके आप फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ जी, कोई अपने दफ्तर में बुला करके कुछ भी कहता रहे, गरीबों की जमीन बच जाएगी। कोई माइका लाल पैदा भी नहीं हुआ, देश का प्रधानमंत्री भी आकर के खड़ा हो जाए, फॉरेस्ट लैंड को कोई अलॉट नहीं कर सकता है। धोखा दे रहा सब कुछ। 1 इंच भूमि फॉरेस्ट लैंड की, याद है आपको अमरनाथ यात्रा रो या भूल गए? हमने कहा हमारे उधर हमको हमारा पैगंबर रहता है बाबा अमरनाथ रहता है, उसकी जगह के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करेंगे। नहीं, ये 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी। तो फॉरेस्ट लैंड 1 इंच मिलेगी आपको? नहीं मिलने वाली है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर एफआईआर दर्ज करो, उनको अंदर करो और जिस कश्मीर को खून से सींचा, उस कश्मीर को मगरमच्छों ने लूटा और वो मगरमच्छ तुम हो। कश्मीर की जमीन ना 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 ना, तुम्हारे मंत्री की जमीन या दूसरे मंत्री की जमीन या दूसरे मगरमच्छ की जमीन, ये मगरमच्छों की जमीनें हैं, ये कश्मीर की जमीनें नहीं है। जम्मू वाले कहेंगे जम्मू की जमीन लूटी किसने है? एक मंत्री ने। किश्तवाड़ के अंदर किसने लूटी? 26.9 मरले, 300 कनाल वाला भी है वो भी निकल नहीं उन्हें, 3,000 कनाल वाला जिसने बेची वो भी गया पीला पंजा। इसलिए मांग करना चाहता हूँ एफआईआर दर्ज करो और उन पर केस रजिस्टर करो। और वो जो पार्टियाँ ये आश्वासन देने का प्रयास कर रही है गरीबें की छोड़ी उड़ो, अरे महाराज कोई गरीबा नहीं हो, जरा गरीब है वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई किसी का कब्जा नहीं होगा, सब खाली होगा। और जो तुमको कह रहा है वो भ्रम के अंदर डाल रहा है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ अगर तुम्हें बचना है तो जाओ
एलजी के दरवाजे जाकर के भीख मांगो, फिर जाकर के कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। लेकिन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर किसी को जगह नहीं मिलेगी, और देगा तो 72 घंटे का जम्मू बंद आएगा जी, जिसने जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, शुक्रिया।